नाजरीन सदाई हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान काशवी। कोलार जिला KSRTC डिपार्टमेंट से चुने गए दो मेहनती ईमानदार ड्राइवर इकबाल अहमद और गोपाल को कर्नाटका सरकार ने गोल्ड मेडल अवार्ड से नवाजा है। आज यहां कोलार शहर दीनिया सोफा फाउंडेशन के जेर एहतमाम इनकी पूरी टीम राशिद अहमद और खजर अहमद ख्वाजा ने इकबाल अहमद को मुबारकबादी पेश की और इनकी खुशी में शरीक रहे। मौसला इत्तलात के मुताबिक इकबाल अहमद एक दीनदार और सोम सलात के पाबंद ही दौरान सफर मुसाफिरों के साथ इकबाल अहमद का हुस्न सलूक रहा है। बगैर हादसे के इन्होंने अपनी 15 साल नौकरी में पूरी सलाहियत के साथ ड्राइवर के फरीजे को अंजाम दिया है, जिसे मद्देनज़र रखते हुए डिपार्टमेंट ने गोल्ड मेडल अवार्ड के लिए काबिल समझा। नाजरीन, ड्राइवर का काम एक ऐसा काम है जो अपने आप के साथ दूसरों के तहफ्फुज़ में ज़िंदगी का सरमाया अपने हाथ में लिए सफ़र करता है, जो एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए मंजिल मकसूद तक पहुँचता है। इस सफ़र के दौरान मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत करना ड्राइवर का बहुत बड़ा फरीजा होता है, जिसे वो निभाता है। राशिद अहमद ने बताया कि इकबाल अहमद का ताल्लुक अपनी नौकरी के साथ साथ दीनिया सोफा फाउंडेशन के साथ रहा है। ये एक बेहतरीन खिदमत गुजार ही समाजी तौर पर फलाही कामों में जुड़े दीनियात के साथ रहना इनका अहम रोल रहा है। इन 15-17 सालों में नौकरी के दौरान मुसाफिरों के साथ बहुत अच्छा सलूक रहा और इनका अहम रोल रहा है। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशवी। और हमारे साथ जो इकबाल भी जो आज गोल्ड मेडल से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह हर लाइन में माशाल्लाह बहुत अच्छा अंजाम देते आ रही। और इनको जो गोल्ड मेडल मिले एहसास नहीं मिला इनको, जो इनकी खिदमत जो है और बहुत बड़ी बात है, नमाज की बहुत पाबंदी हूँ और दीन की इतनी खिदमत करते हैं, अल्लाह अल्लाह मदद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मदद से इनको आज नवाजा गया है। बहुत ऐसे जो भी काम करती अल्लाह राज़ी करने काम करती और उसके ऊपर इतना दिल लगाती है, काम जो भी करना मुकम्मल करना काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मतलब सोशल वर्क में काम करती है, DSF टीम हमारे वो जो दीनियात मकाती है उसके एजुकेशन के लाइन से अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अच्छा अंजाम देते आ रहे हैं। और जब से मुझे लगता है हमें भी तकरीबन कोई 20-25 साल से देख रही है, हमारे साथ भी हमें तो 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह साथ में काम कर रही है। जब से देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नमाज के पाबंद है इन्हों, और मेरे ख्याल मुझे लगता है हज़ारों गज में अब तक सफ़र करा देंगे 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 साल सर्विस होगी। 15 साल में जो करी है मुझे लगता है मैं कहते डॉक्टर इंजीनियर से पुलिस सब ऑलमोस्ट हो गएंगे। बस हमें भी एक दो बार से इकबाल भी सब बस स्टैंड में जाते थे, वहाँ से दो दिन बुलाया इकबाल भाई को, सर नमस्कार चेना सर यार रही सर स्वल्प सर नाव सर निम्न जो बसल बर्ता ना नुटी ना पोलिस डॉक्टर आगदी इंतुन जमान आटोमेटिक इकबाल भी मशाल ऐसा हो गया हमारे इकबाल भी ड्राइवर नहीं है, एक टीम लीडर ही मतलब ऑलमोस्ट जितने भी जो एस्पिरेंट्स आती है इन पूरे उनकी इन मेंटेन करी इन इनकी और इनका जितने भी ड्राइवर आई उनसे हट को चिंता माहौल भेज सो। अब जैसा बस स्टैंड में उतरती सब सलाम करते हैं, हमें देखे रस्ते में जानते हैं सर नमस्कार कहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अल्लाह से इज्जत नवाजे इनको, मतलब इनके कामों से अल्लाह से नवाजे इनको। इकबाल भाई हमारे DSF टीम के एक सदस्य हैं, माशाल्लाह इनकी कारगुजारी तो हमारे मुँह से निकलना भी नहीं होता, जितने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो ड्राइविंग का काम नहीं करें, जो कम्युनिकेशन है, जो पैसेंजर के साथ बात करने का अंदाज, हर कैनलोर में कम से कम 10 साल से भी ड्राइविंग कर लेते हैं वो रूट में इंशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ के मेंबर्स अदर्स जो भी लोग हैं उनकी तारीफ के बगैर कुछ जहाँ भी मिलते हैं उनकी इज्जत अफजाई करना, जो भी आज इकबाल भाई की बदौलत ही हम DSF टीम में भी जमकर इंशाल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि टॉपर्स के वास्ते भी एजुकेशन लाइन में भी हो दीनी लाइन में हो, जैसा भी इकबाल भाई जैसा गोल्ड मेडल लेकर हैं ऐसा इन्हों भी तमन्ना करना कि हम भी गोल्ड मेडल लेना की एक आरजू पैदा होना इनके इनको देख कर करके। नम इकबाल सर और KSRTC 28 वर्ष ड्यूटी अद्रिंद नमें तुम खुशी आयो और गोल्ड मेडल को नम गवर्मेंट कर्नाटक गवर्मेंट और सन्मान और जोतली इवर गोपाल सर्गे सन्मान नम्बेलू खुशी आयो
ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೈ ಹೆನಾಕೆ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹ್ಞೂ ರಾಜನಗರವಲ್ಲ ಮೇ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಹೆನಾ ಬಹು ದಿನ ಖಿದ್ಮತ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಆಯಾ ಮೈ ಇಸ್ಮೇ ಹೆನಾ ಲೋಗೋ ಸೆ ಹೆನಾ ಮಿಲ್ನಾ ಜುಲ್ನಾ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ ಪ್ಯಾರ ಅಪ್ನಾ ಕಾಮ ಸಮಝ ಕೋ ಹಮೇ ಕರ್ತೇ ಥೆ ಇಸ್ಮೇ ಹೆನಾ ಹಮಾರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಹೆನಾ 15 ಸಾಲ कोई इन्हें रिमार्क नहीं नई वजह से मुझे और मेरा और एक साथी हमारा खरे वाला है ना क्या नाम है उनका उनका नाम है ना गोपाल है दोनों को है ना कोलार डिस्ट्रिक्ट से दोनों को है ना गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया कर्नाटक गवर्नमेंट ने जी कितने साल के बाद आपको ये अवार्ड मिला ये है ना हमारे डिपार्टमेंट में है ना 15 साल कोई रिमार्क नहीं है ना जी अटेंडेंस अच्छा था ना कोई है ना पब्लिक रिमार्क हो एक्सीडेंट हो ऐसे चीज़ें क्लियर है तो 15 साल को है ना पहले हमने सिल्वर कार्ड अवार्ड दिया गया उसके बाद में हम गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया हमें आप यहाँ के मकामी हैं कोलार के हाँ कोलार के मकामी जब से मैं ड्यूटी में कोलार में है ना मैं अपॉइंटमेंट हुआ 93 में जब से लगा मैं कोलार डिपो में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ तो आपको अवार्ड मिला स्टेट कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको गोल्ड मेडल का अवार्ड मिला है आपको क्या महसूस हुआ आपको कैसा लगा आपको बड़ी खुशी हुई हमने हाँ पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट से है ना दो साथी हमें बड़ी खुशी है एक गोपाल और आप हाँ हाँ बाद हमें यहाँ से विधानसभा को लेकर गए विधानसभा में है ना हमारे है ना चीफ मिनिस्टर हैं उनके यहाँ से हमने गोल्ड मेडल मिला बड़ी खुशी हुई हमने इसके अलावा है ना दीन की खिदमत भी है और कौम की खिदमत भी है इसके लिए है ना समाज की खिदमत हमें करते आ रहे हैं क्या करते हैं क्या क्या खिदमत करते हैं और है ना बच्चों को अरबी पढ़ाने के लिए से और जो एजुकेशन के बारे में है ना बच्चों को ट्यूशन के लिए से और है ना बच्चे जो अच्छे टॉपर्स आते हैं बच्चे उनको है ना छोटा मोटा अवार्ड भी देते हैं हमें बच्चों को और हिम्मत अफजाई के वास्ते है ना आगे चल कर है ना वो अच्छी पढ़ाई करने के वास्ते उसकी भी हमें उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं हमारी कमेटी है जी वो कमेटी हमसे मिलको उसकी खिदमत करते कौन सी है कमेटी वो डी एस एफ कमेटी हमारी दीनी आसफ फाउंडेशन दुनिया तो मुख्तसर जिंदगी है आने वाली जिंदगी लामहदूद जिंदगी है हमें है ना एक ना एक अल्लाह का हमें मुंह दिखाना है अल्लाह के पास हमें हिसाब पाई पे का हिसाब देना है हमें सबसे पहले है ना हमें नमाज की पाबंदी है बाकायदा है ना उसमें है ना सुन्नतों की पाबंदी जो भी काम करते हैं हमें हर काम में पीछे का सोच को काम करता हूँ कि तो मेरे तरफ से है ना हमारे समाज को किसी साथी को है ना एक धब्बा नहीं होना वो हम पीछे का सोच के मैं काम करता हूँ हर काम घर में बता चाहे घर के माहौल में बता चाहे घर वालों को बता चाहे ना हर काम में है ना मैं अल्लाह के तरफ मुतवज्जा करता हूँ मैं भी है ना जहाँ तक हो सके वहाँ में अल्लाह के तरफ मुतवज्जा होकर दीनदारी को अपना कर जिंदगी को बना रहे तो दूसरे ड्राइवरों के लिए क्या पैगाम देना मैं भी चाहता हूँ कि हमें मुख्तसर ये तो है ना हमारे गवर्नमेंट है 60 साल ड्यूटी ले उसके बाद भी है ना हमें रिटर्न करा दी लेकिन है ना हमें मरे तक भी है ना हमें हमारा अल्लाह हमारे से राजी हो जाए हर काम है ना हर ड्रोर ऐसा करना हाँ करना है अल्लाह हमारे राजी हो जाए लेकिन है ना जो भी लोग देखते हैं उसे है ना प्यार मोहम्मद से बात करना उनको है ना अच्छाई की तरफ अच्छे बातें की बताना उनको जो ड्राइवर है ड्राइवर का जो मुकाम यह है उसके पीछे है ना 60-70 आदमी बैठे रहते जिम्मेदारी रहती है वो जिम्मेदारी है ना बाकायदा है ना वो एक भरोसे से एक बस दूसरे बस जाने वास्ते बैठे रहते वो 60-70 लोगों की जाने उसके हाथ में रहते उसके बाद मैं समझता हूँ कि हर ड्राइवर है ना इन सबका है ना ख्याल करते हुए ड्राइवरिंग करना फिर ड्राइवर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मैं ये चाहता हूँ हर ड्राइवर है ना बाकायदा है ना से खिदमत करे अपना काम समझ कर करे अपनी ड्यूटी समझ कर करें क्योंकि है ना जब हमें अपना काम समझ के करेंगे हमारा है ना डिपार्टमेंट बाकी रहेगा और है ना डिपार्टमेंट अच्छा रहा तो है ना हमारे बच्चों को आने वाले नस्ल को है ना ड्यूटी मिलेंगे बड़ा फ़ायदा होगा सदाए हिंद उर्दू के लिए आपने जो अपना जरीन मौका दे करके आपके अवार्ड के मतलब आपकी रजी ज़िंदगी के ताल्लुक से जो हमें इंटरव्यू दिया है और दूसरे ड्राइवरों के लिए भी आपने जो है एक अच्छा पैगाम दिया है कि
आपकी एक बस में जो है 60-70 लोगों की जान आपके हाथ में थी, जिम्मेदारी से आपको काम को निभाना है, इस तरह का आपने पहला बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपका अवार्ड मिला है, कहाँ है अवार्ड? वो अवार्ड जो है हमारा ये गोल्ड मेडल दिया, ये गोल्ड मेडल दिया और है ना एक ये गोल्ड मेडल दिए, 5,000 रुपये हमने चेक दिए, 5,000 रुपये चेक दिए, ये गोल्ड मेडल दिए, एक सर्टिफिकेट दिए हमने।